आज हम सीखेंगे जानेंगे कि डिजिटल नंबर प्लेट को कैसे अप्लाई किया जाता है। इसके लिए आप यहाँ पर क्लिक दो तरीके का ऑप्शन दिया है, एक नंबर प्लेट के लिए, एक केवल स्टिकर के लिए। उस चाहे नंबर प्लेट के लिए आप अप्लाई करते हैं या केवल स्टिकर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हम नंबर प्लेट के लिए पूरा अप्लाई करते हैं। ये पेज खुल गया। इसके बाद स्टेट चूज करते हैं, फिर रजिस्ट्रेशन नंबर गाड़ी का डालते हैं, यानी कि गाड़ी का जो नंबर है इसको फिल करते हैं। इसको फिल करने के बाद चेसिस नंबर डालते हैं। पहले इंजन नंबर फिल कर लेते हैं, उसके बाद फिर चेसिस नंबर फिल करेंगे। जैसा कि देख पा रहे हैं फिल किया जा रहा है। हमारा ये हो गया है इंजन नंबर। अब इसके बाद चेसिस नंबर को डालते हैं। चेसिस नंबर जब तक फिल करते हैं तो एक चीज़ और बता दें कि आपको कहाँ पर जाना है, कि किस कौन सी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके लिए आपको सर्च करना है बुक माई HSRP.com। इस पर जाएंगे, उसके बाद इसी पर आपको बुक करना है। इस वेबसाइट पर जाने पर आप इस तरह का प्रोसेस कर सकते हैं। तो इंजन नंबर हो गया, चेसिस नंबर फिल कर रहे हैं। हमारा ये चेसिस नंबर हो गया। उसके बाद कैप्चा फिल करते हैं, उसके बाद क्लिक हेयर पर क्लिक करते हैं। तो ये हो गया हमारा क्लिक हेयर पर क्लिक। हमारा सारा डाटा खुल गया, जिस कंपनी का है, जैसा है, जो नंबर है, जब का बना है, पेट्रोल है कि डीजल है, किस कैटेगरी का है, कैसा है, सब डिटेल खुल गया। तो हमको कैटेगरी चूज केवल करना है। तो हम कैटेगरी चूज कर सकते हैं, माइस मोटरसाइकिल। उसके बाद ओनर का नाम डालते हैं। ओनर का नाम होने के बाद उनका ईमेल आईडी, ये हमारे ईमेल आईडी फिल हो रहा है। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, गलती हो गया था सब ईमेल आईडी को फिल करने में। ईमेल आईडी को फिल कर लेते हैं। ईमेल आईडी फिल करने के पश्चात मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर के बाद पूरा पता, पूरा पता करने के बाद सिटी का नाम लिखेंगे। एक बार नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के पश्चात हमारा डाटा सब सबमिट हुआ। एक बार चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद हमारा पेज खुल जाएगा। हमें सर्च करना है कहाँ पर हमें डिलीवर लेना है। डिलीवर करने के लिए आपको यहाँ पर कंफर्म करना है, हमारा डिटेल सही दिखा रहा है। जिस भी पिन कोड पर लेना है, वहाँ के जो एजेंसियाँ हैं, एजेंसियाँ का डिटेल, एजेंसियों का डिटेल दिखा रहा है। जो भी एजेंसी है वहाँ से आप एजेंसी को चुन लेंगे, जो भी आपकी नज़दीकी एजेंसी रहेगी। जैसे हम अपना एजेंसी, नज़दीकी एजेंसी चुन लेते हैं। सर्च करते हैं, देखते हैं, अभी इंडिया ऑटो से लेके यहाँ पर दिखाने लगा। इस पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से कंफर्म ऑर्डर पर, कंफर्म डिलीवर पर क्लिक करेंगे। अब हमको कंफर्म डेट देना है कि किस डेट को, किस टाइम पर हमें डिलीवर लेना है। तो 17, 18 या 19, 20, 22, 25, जिस भी डेट को हमें लेना है, देख लेंगे पहले का ऑलरेडी कब है। जब अवेलेबल रहेगा उसी टाइम को आपको
आपका डिलीवर उस दिन हो पाएगा। 17 को भी देखते हैं, इस टाइम को खाली है 12 बजे से 2 बजे के बीच में, उसके बाद 2 से 4 के बीच में, 4 से 6 के बीच में भी खाली है। तो हम 17 को 2 से 4 के बीच में करें, कंफर्म करते हैं, उसके बाद पेमेंट करते हैं। पेमेंट कर लेंगे पहले, पूरा डिटेल खुलेगा, पूरा डिटेल को आप चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद कि कहाँ पर है, किस स्थान पर है जो डीलर है, वो डीलर का एजेंसी कहाँ पर है, इसको पूरा चेक करके डिटेल करके कंफर्म करेंगे। कंफर्म एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो हम थोड़ा चेक कर पा रहे हैं, हमारा डिटेल सब सही सही दिखा रहा है। डिटेल को वेरीफाई करने के बाद, मतलब चेक करने के बाद पश्चात कंफर्म एंड प्रोसीड पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के पश्चात आप वो सेम मोबाइल नंबर रखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कर दें, नहीं तो फिर दूसरा नंबर चाहते हैं तो दूसरा नंबर यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर फास्टैग ऐड करना चाहते हैं फास्टैग भी ऐड कर सकते हैं, नहीं करना चाहते नहीं, तो फिर आई एग्री पर क्लिक करके फिर ऑनलाइन पर क्लिक करें। अपना पता भी चेक कर लेंगे अच्छी तरह से कि हमारे पता सही है या गलत है, तो फिर ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे। जैसे पे क्लिक करेंगे आपको गूगल फ़ोन पे वगैरह UPI का ऑप्शन दिखा रहा है, आप जिस माध्यम से चाहें उस माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, कार्ड से भी कर सकते हैं, वॉलेट से भी कर सकते हैं, पे लेटर से भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। तो हम गूगल पे से करते हैं, यहाँ पर गूगल पे आईडी डालते हैं, जो भी आईडी है, और पे नाउ पर क्लिक करते हैं। अब वेरीफाई हो रहा है, आपके गूगल पे जो रहेगा उस पर जाएगा, उसको एक्सेप्ट करेंगे, पिन पासवर्ड आपका जो भी पासवर्ड पिन रहेगा उसको डाल करके वहाँ से सबमिट करेंगे। जैसा कि हम कर रहे हैं थोड़ा सा टाइम लग रहा है, जैसे ही हो जाता है आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं हमारा ये हो गया। आप रिसिप्ट को प्रिंट कर लेंगे या सेव कर लेंगे कहीं, सेव करके आपको जब भी आवश्यकता पड़ेगा, आप जब अपने नंबर प्लेट को लेने जाएंगे तो इसकी आवश्यकता पड़ेगा, इसको आप दिखाएंगे तभी आपको नंबर प्लेट मिलेगा। इस तरह से आप आसानी से अपना या किसी का भी कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।